Hello students, today I am going to start the second chapter of geography, okay? Chapter 2, geography, class 7, and this is part 1st of this chapter, ठीक है? और इस चैप्टर का नाम क्या है? Inside our earth. हमारे अर्थ के अंदर में क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है? So basically inside our earth, what are the things that you all know? आप लोग क्या क्या जानते हो कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? So define them. जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसके अंदर ही सिचुएटेड है. क्या चीज? क्लियर बोलो. मॉल्टन रॉक्स, ठीक है? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मॉल्टन रॉक्स. अच्छा एक बात बताओ, एक तो एक तो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, मॉल्टन रॉक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? पिघले हुए रॉक्स. रॉक्स कब पिघलते हैं? जब बहुत हाई टेम्परेचर उनको गर्म किया जाता है, ठीक है? और बहुत हाई टेम्परेचर किस चीज का होता है? मैग्मा का. अरे जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा ही तो निकलता है. और ज्वालामुखी फटता कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वोल्केनो? वोल्केनिक इरप्शन का कारण क्या होता है? क्योंकि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है इसमें काफी सारे प्लेट्स, वो प्लेट्स धीरे धीरे मूव करते हैं बहुत स्लोली. ये आप अर्थ पे बता रहे हैं, ये आप अर्थ पे बता रहे हैं. सब मूव करते समय ना, अगर वो मूव करते हैं तो जो मॉडर्न मैग्मा होता है वो अंदर से काफी गर्म होता है, हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो उसी प्लेट्स को तोड़ के और वो बाहर निकलता है. गुड, ठीक है? लेकिन अगर आप प्लेट्स की बात करोगे ना, ठीक है, अगर केवल प्लेट्स हिलते रहे, अगर मूव करते रहे तो दैट इज अ रीजन फॉर अर्थक्वेक, ठीक है? जब हमारे अंदर के जो प्लेट्स होते हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स मूव आ जाता है, ठीक है, व्हेन दे मूव, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, व्हेन दे मूव क्या होता है बेसिकली कि हमारे अर्थ के अंदर जो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई भी चीज है तो जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो क्या होता है? जब प्रेशर बन जाता है तो वो जो विसल उसका होता है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है? प्रेशर रिलीज किया फिर वो वापस आता है, ठीक है? तो सिमिलर वे में जब थोड़ा बहुत ही प्रेशर रिलीज करना होता है, ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं, ठीक है? और उसी मूवमेंट के दौरान कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कई जगह से अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है? तो उन क्रैक्स का कारण होता है अर्थक्वेक, ठीक है? और व्हेन वी टॉक अबाउट द वोल्केनो और द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, तो जब ये प्लेट्स जो हमारे हैं, ठीक है, इनको तोड़ इनको मूव तो कराता है, ठीक है, बट व्हेन द प्रेशर इज वेरी मच हाई, ठीक है, देन इट ब्रोक अप दिस प्लेट एंड कम आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, सरफेस के बाहर आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम? वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है? और जो सब्सटेंस बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा, ठीक है? इट इज रेड इन कलर एंड बेसिकली इट इज वेरी हाई इन टेम्परेचर, ठीक है? ये होता है हमारा टेम्परेचर, उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है? सो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? अर्थ के तीन बेसिक पार्ट्स, ठीक है, क्या क्या? क्रस्ट, मैंटल, कोर. ये तीन चीजें मिलाकर के हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है. व्हाट इज अ क्रस्ट? अर्थ के सबसे ऊपर का हिस्सा. क्रस्ट, यस, इज राइट. ये हो गया हमारा अर्थ. माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, डोंट मेक फन ऑफ दिस, ओके? सो दिस लेवल
ये है हमारा क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया मंथली। कोर कहाँ पे होगा बताइए, यहाँ पे होगा कोर अपना, नहीं कहाँ पे होगा, इनर पार्ट तो यही है ना, आपने बोला इनर पार्ट, लीजिए लोकेट वेयर इज द इनर पार्ट और वेयर इज द कोर सिचुएटेड, ठीक है। मेंटल होता है वन फोर्थ होता है ना मेंटल, जहां तक मुझे पता है ठीक है। थैंक यू, सो दिस इज द क्रस्ट, ठीक है, दिस इज कोर एंड दिस इज, ठीक है। जब हम इसको फिजिकली डिजाइन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वही हमें पता चलता है कि मैग्मा रेड कलर का होता है या फिर जो भी चीजें इसकी फिजिकल डिवीजन है, ये चीजें हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ, ठीक है, ये तीन चीजों का अगर फॉर्मेशन अर्थ पे नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिसबैलेंसिंग क्रिएट हो जाएगा, डिसबैलेंस होगा, आपके पास कोर नहीं होगा तो आप फिर खड़े कहां पे हो। कोर देखो किसी भी चीज की जो बेसिक चीजें होती हैं वो होता है उसका रूट, ठीक है। सो द कोर ऑफ अर्थ इज बेसिकली द रूट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इफ देयर इज नो कोर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक है। आप एक फैक्ट्री या फिर अगर एक प्लांट भी आप लगाते हो, ठीक है, तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लांट इज रूट, ठीक है। इफ देयर इज नो रूट देयर इज नो शूट, ठीक है। अगर रूट ही नहीं होगा तो शूट बनेगा, तुम आज नए हो, व्हाट्स योर नेम, कल भी आए थे सौरभ मेरी क्लास के थे तुम्हारे पास, ठीक है। तो कोर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज अपर लेयर ऑफ द कोर इज नोन एज मेंटल, ठीक है, एंड द अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। इन तीन चीजों का यूज करके या फिर इन तीन चीजों के क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट अर्थ इज मेड अप ऑफ, ठीक है। सो अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री बेसिक थिंग्स, व्हाट आर देयर नेम्स, क्रस्ट मेंटल एंड कोर, ठीक है। कोर के भी दो पार्ट्स, एक इनर कोर और एक आउटर कोर, ठीक है। सो जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स एक्सेप्ट मानसी एंड दिव्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स, दिव्या को भी वैसे नहीं पता, कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब क्या होता है, एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है कंसेंट्रिक सर्कल्स, पढ़ा होगा आपने छोटे क्लास में, सिक्स में है शायद कंसेंट्रिक सर्कल, आपको भी नहीं पता कंसेंट्रिक क्या होता है, कंसेंट्रेशन दूसरी चीज है, कंसेंट्रिक, तन्नू बताइए, स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक, यू डोंट नो, you also don't know, stand up, what's your name, Soumya, nahi pata sir, concentric sir means that other sir bahut sara alag alag type ka layer, theek hai wo to bahut sara alag alag layer hota hai ye to isme pata chal raha hai, concentric ka matlab kya hota hai sir, jo beech mein jo layer bana hai usko kya sakte hai concentric, kya sakte hai लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लास्ट सर जो डिवाइड करता है दो लेयर, ठीक है, ये एक हमारा अर्थ हो गया, इसके अंदर ये कंसेंट्रिक है, ये भी तो डिवाइड कर रहा है लेयर्स को, सिट डाउन ऑफ यू, सिट डाउन, द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक इज डिवीजन ऑफ लेयर इन द सिमिलर फिगर, ठीक है। जब हम एक ही फिगर के अंदर सिमिलर फिगर दूसरा बनाते हैं किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक,
ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ सर्कल्स आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बना जाएगा तो क्या बनेगा? कंसेंट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, बिकॉज इट इज मेड बाय द डिवीजन ऑफ दैट सर्कल इनटू अ स्मॉलर पार्ट। ठीक है, एक बड़े सर्कल का छोटा पार्ट हमने डिवाइड करके इस लेयर्स को डिवाइड किया। ठीक है, और इसीलिए इन सारे जो सर्कल्स इसके अंदर बने हुए इनको हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, बिकॉज द एक्चुअल सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द एक्चुअल सर्फेस ऑफ दिस लेवल इज सेम। ठीक है, जो जो शेप है या फिर जो फिगर है वो बिल्कुल शेप सिमिलर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है तो जो लेयर्स या लेवल है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ सर्कल या स्फेयर। ठीक है, अर्थ इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फेयर। When you will move on to the other classes, you will get to know that Earth is also not a sphere. It is just like a egg. ठीक है? ये पता है सबको? Earth एक अंडे की तरह होता है, oval, बिल्कुल इस तरह। ऊपर की और नीचे की साइड जो होती है वो चपटी होती है और ये बाहर की तरफ निकला होता है। यही तो क्लास सिक्स क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं। अर्थ सरफेस इज एक्चुअली नॉट अ नाइदर अ स्क्वायर नाइदर अ सर्कल, इट इज अ ओवल एग शेप। ठीक है, या कई बार ऐसा भी कहते हैं वो जो हैंडबॉल होता है ना, जिसको हाथ में लेकर के एक हैंडबॉल गेम होता है, स्क्वाश नहीं नहीं उसको रग्बी कहते हैं। हाँ ठीक है, वो इसी शेप का होता है। ठीक है, सो इट इज अ ओवल शेप। ये तो हमारी पढ़ाई पढ़ने के लिए इसको एक नॉर्मल शेप दिया गया सर्कुलर, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता। अच्छा, सबको पता है कि रोटेशनल पाथ जो होता है अर्थ का या किसी भी प्लैनेट का वो कौन सी शेप का होता है? सर वो हाँ बताइए दिव्या, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टुडे। शशीष तबीयत सही नहीं है? तबीयत सही करें, क्लास में आया कीजिए। क्लासिक्स की चीजें व्हाट इज द रोटेशन रोटेशनल पाथ और द रिवॉल्यूशनल पाथ ऑफ अर्थ। ये हमारा सन है, ये पढ़ा है किसी ने? ये वाला डायग्राम तो देखा ही हुआ सबने। ठीक है, ये क्या है? पहला मरकरी, मार्स होता है पहले, फिर क्या होता है? मार्स होता है। उठा के मार्स पे भेजे मरकरी वीनस, तुम लोगों को सही से इसका मतलब वो भी नहीं पता है जो उसका लाइन से उसका होता है क्रम। अरे तुमको पता है ना, बाकी कुछ यहाँ पे आइंस्टाइन बैठे हुए तुम ही बोल सकते हो। गलती से मिस्टेक हो गया। मरकरी वीनस फिर नहीं जुपिटर, जुपिटर रमान सिंह, मरकरी वीनस जुपिटर यूरेनस। अरे कम से कम ये चीज तो याद रखो तुम लोग कि किस प्लैनेट के बाद कौन सा प्लैनेट अरेंज्ड है। मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून, एक और महान प्लैनेट था प्लूटो, वो खत्म हो गया। डॉर्क प्लैनेट कहा जाता है, और ये भी है कि उसका जो सन का रिवॉल्यूशन है और सन से जो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो अब टूट चुका है। सर वो सन का चक्कर नहीं लगा, सर का चक्कर नहीं लगा था, वो किसी और एक स्टार का चक्कर। सच्चाई है, इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, इट इज अ रियलिटी दैट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड एनी अदर स्टार, वो किसी और स्टार का चक्कर लगाता है। अगर सन भी तो एक स्टार ही है, इट इज ऑल्सो अ स्टार and just due to the weakening of the gravitational force of Pluto, it is revolving around any other star. ठीक है, universe बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है, देखो। ठीक है, universe छोटी चीज नहीं है। So इस universe में बहुत सारे ऐसे sun होंगे, बहुत सारे ऐसे earth हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे planet हो सकते हैं। ठीक है, so it is revolving around another star. ठीक है, so likewise when we talk about Mercury, Venus, Earth,
मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, यही होता है ना? यो अच्छा सैटर्न, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर अरे जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है? ये हमारे एट प्लैनेट्स, ठीक है? और इनका पाथ क्या लग रहा है? तुम्हें सर्कुलर लग रहा है? किसी भी एंगल से सर्कुलर है ये? ये कौन सा शेप है? ओवल शेप, ठीक है? ये भी एक साइंटिस्ट ने बताया था कि द रिवॉल्विंग पार्ट पाथ ऑफ अर्थ इज बेसिकली ओवल, ठीक है? क्योंकि पहले हम क्या जानते थे कि ये हमारा सन हो गया, बीच में इसके किनारे किनारे ऐसे घूमते हैं, ठीक है? ये जानते थे ना? बाद में क्या पता चला? दीज ऑल आर इलेप्टिकल और ओवल इन शेप, इलेप्टिकल, इलेप्टिकल, ठीक है? इलेप्टिकल पाथ्स, सो फर्स्ट पॉइंट राइट इट डाउन इन योर कॉपी, फर्स्ट हेडिंग डालना अर्थ, ठीक है? Earth is a planet which Earth is a planet which is divided into three levels, divided into three levels. First one is crust, second one is mantle, third one is core. इसको ये मत लिख देना, मेंटल, कोर, ये तीन लेयर्स हमारे अर्थ के होते हैं। सो द फर्स्ट सरफेस, पहले सबसे पहले हेडिंग आप लिखिए क्रस्ट, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ layer of earth. When I was talking about the core, okay, I told you all that core is the middle part of the planet. Then one great student of our class told me that this one is the core, okay? So I was just trying to tell you all that the core is situated in the middle of the earth surface, okay? अर्थ के सरफेस के बिल्कुल मिडिल पार्ट में जो होता है, ये हमारा कोर सिचुएटेड होता है, इजंट इट? मानसी मिश्रा, इज दिस द कोर और नॉट, बताइए? इट इज द, isn't it? I'm not getting you. Yes, speak loudly. Yes, sir. This is core, ठीक है? इसके अंदर एक और बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Inner core. थोड़ा सा बड़ा बना है ना? इसलिए ये inner core की जो surface area है, ये तुम्हें दिख रही है, ये ज़्यादा है, ठीक है? ये inner core
इसके बीच की ये बाउंड्री इक्वल बाउंड्री होती है ना, ये बाहर वाला क्या है आउटर, इसके ऊपर क्या होगा सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे समझ में आ गया सम्यक। यू यू आर जस्ट अ टाइप ऑफ लाफिंग बुद्धा इन माय क्लास, यू जस्ट कीप ऑन सेइंग यस सर एंड यू डोंट गेट एनीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग, समझ में आ रहा है, ऐसा ना हो कि बस हम पढ़ाते जाए तुम्हें समझ में ही ना आए। और क्या हम ये बता रहे थे कि उस टाइम मैंने ये कहा था ये हमारा कोर होता है, आपने कहा नो सर इट इज नॉट द कोर, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट द कोर ऑफ दिस अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट इमर्जेस इन द सेवरल डायरेक्शंस, समझ में आई बात, ठीक है, सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है, इट इज the thinnest of the layers it is the thinnest of the layers it lies about 35 kilometer and continents and 5 kilometer in the oceans, aisa kyun kaha gaya hai, why is this said that this layer lies only 35 kilometer in the continents and 5 kilometer in the ocean, ऐसा जो कहा जाता है कि जो हमारा क्रस्ट है वो केवल 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स और 5 किलोमीटर ओशन में लाई करता है। रीजन बिकॉज सर क्योंकि वो उतना ही स्पेस कवर करता है, ठीक है, आंसर सही है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए उसके पीछे ना, इजंट इट सम्यक, you tell me what is the reason behind the coverage of area of only 35 kilometer and 5 kilometer, sir jo sea hota hai wo already deep hota hai, sir uske baad ab 5 kilometer tak crust, dekho iske piche ka reason ye hai, baitho do iske piche ka reason ye hai ki ek to ye sabse patla hota hai, theek hai, bilkul outer surface hai ye, haan ji batao सी वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो रिमेनिंग 30 किलोमीटर जैसा कि उसने बताया कि जो 5 किलोमीटर की जब हम गहराई में अंदर जाएंगे तब जाकर फिर को लैंड मास मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इस लेयर की बात करते हैं, ये वाला लेयर एक तो बिल्कुल पतला सा लेयर है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अर्थ पे हर जगह कॉन्टिनेंट ही नहीं होता है, हर जगह पे लैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो जो हमारा ओशन का सरफेस है, ठीक है, तो उस ओशन को सरफेस करने में इसका 5 किलोमीटर का केवल एरिया यूज होता है, ठीक है, ओनली 5 किलोमीटर एरिया इज यूज बाय दिस लेयर बाय द ओशनिक फ्लोर्स, ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंशियल मासेस, ठीक है, इट इज कवरिंग अबाउट द 35 किलोमीटर ऑफ रेंज, ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो अर्थ पे क्या है कि 75% वाटर है, ठीक है, और हर जगह पे लैंड मास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्या है ये अर्थ हो गया, तो कई जगह पे देखते हैं ना कि यहाँ पे कुछ दिख गया यहाँ पे दिख गया, ये सब तो पानी ही है ना, तो अर्थ के अगर किसी भी सरफेस की हम बात करेंगे तो हर जगह पे इसको लैंडमास नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो लैंडमास की जो कवरेज है ठीक है वो केवल कितनी है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट पे या फिर प्लेन्स पे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे जहां पे हम खड़े हैं अभी राइट नाउ ठीक है, तो इफ इट इज कवर्ड विद द क्रस्ट ठीक है, इट इज डेफिनेटली कवरिंग द 35 किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड मास ठीक है, ये इस चीज को भी कवर किए हुए है, इसलिए हम कहते हैं कि 35 किलोमीटर का मास इसने कवर किया है। समझ में आ गया तुम्हें, तुम्हें समझ में आया? तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांश, दिव्यांश पुरी, समझ में आ गया तुम्हें भी? तन्नु। और जब हम ये ओशंस की बात करते हैं तो ओशंस का जो कवरेज है तो ओशन में बहुत कम कम जगह पे लैंड मास मिलता है ठीक है, कई जगह पे जब आपको आइलैंड्स मिल जाते हैं, व्हाट इज एन आइलैंड सौम्य? अगर हम करेक्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, अ लैंड मास व्हिच इज कवर्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स विद वाटर ठीक है। अगर एक ऐसा लैंड मास हमारे पास है जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है ठीक है, देन इट इज डेफिनेटली द आइलैंड ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्रस्ट इज ऑल अबाउट ठीक है, दिस इज definitely the layer that is only covering the 35 kilometers of the continental masses as well as the 5 kilometers of ocean okay, and that is why it is also called the thinnest layer of our earth because it is available at the tip of our earth, earth ke sabse upre hisse mein ye hai theek hai, aur isliye isne bahut kam area cover kiya hua hai, that is why it is the thinnest layer theek hai। second layer is mantle theek hai, so write it down, mantle is the layer which is situated in the middle of crust and core, in the middle of crust and core, okay, crust and core, it is covering, what happened, do you have any problem? Okay, it is covering the maximum part of land masses because being situated in the middle, let's the level cover the maximum surface area, maximum surface area of land masses, ठीक है, land masses का maximum area ये cover करता है, क्यों? Because when we come into the middle of the earth, then it is the second thick layer of the earth. ठीक है, ये अर्थ का दूसरा थिक लेवल होता है, ठीक है, देखो यहां से यहां तक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, क्रस्ट नहीं मेंटल है, यहां मेंटल की बात हो रही है, ये क्रस्ट था, ये ऊपर का लेवल क्रस्ट था, इसके और इसके बीच में ये जो लेवल का फॉर्मेशन हुआ ये क्या है, मेंटल, ठीक है, तो मेंटल क्या करता है कि मैक्सिमम लैंड मास को कवर करता है, क्यों करता है भाई,
रीजन क्या है? क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम लैंडमास इसको मिल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लैंडमास का मतलब क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंटल एरिया या फिर ओशनिक एरिया इसको मिलना चाहिए कवर करने के लिए, ये बेसिकली इस एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द सरफेस, ठीक है, सो व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सरफेस लाइक दिस, ये सरफेस हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल की बात करेंगे, ठीक है, इफ दिस लेवल इज आवर मेंटल, देन इट इज कवरिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड मास, ठीक है। इसीलिए इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंड मास को कवर कर रखा है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? थिकेस्ट लेयर, सेकंड थिकेस्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? कोर, ठीक है। सो कोर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर अर्थ, कोर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो फिलहाल यू ओनली गेट टू नो अबाउट व्हाट इज अ कोर, ठीक है। सो कोर इज बेसिकली द रूट ऑफ द अर्थ, ठीक है। विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोर देयर इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ प्लैनेट, स्पेसिफिक लैंडमास, स्पेसिफिक ओशनिक एरिया, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेजेंट होना बहुत ही मुश्किल होता है। Understood from you? So basically the reason behind the formation of core is to build up a planet, ठीक है? Because without root you can't grow up a plant, ठीक है? So for making up a plant, for growing up a plant, you need to be a good root. आपके पास एक अच्छा root होना चाहिए, ठीक है? Root नहीं होगा तो plant की growth अच्छी नहीं होगी। अगर इस अर्थ का core proper नहीं होगा, ठीक है? जिस मैग्मा की हम बात कर रहे थे, वो मैग्मा एक स्पेसिफाइड डेप्थ पे नहीं होगा, वी कांट इवन स्टैंड ऑन द सरफेस, बिकॉज़ मैग्मा मेक्स द रॉक्स मेल्ट, ठीक है। जो हमारे रॉक्स होते हैं उनको वो पिघला देता है, ठीक है। तो अगर वो सरफेस से थोड़ा ही सा नीचे होगा तो क्या होगा? जो सरफेस है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो टेक द पार्ट एंड इट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ मैग्मा, ठीक है। सो एक सर्टन गहराई पे या फिर एक सर्टन डेप्थ पे उसका प्रेजेंट होना, ये कोर की डिजाइनिंग है, ठीक है। अगर इस कोर की डिजाइनिंग ऐसे नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जो प्लैनेट का जो बेस है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स पे इस मैग्मा का प्रेजेंट होना एक सर्टन डेप्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर सर्टन डेप्थ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर एक थोड़ी सी गहराई पे है तो क्या होगा कि वो जो प्लेन है वो क्या होगा? नीचे की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट सिंकिंग, ठीक है। सो राइट इट डाउन, कोर इज द बेस ऑफ अ प्लैनेट, कोर इज द बेस ऑफ अ प्लैनेट which helps in the proper arrangement of, which helps in the proper arrangement of, helps in the proper arrangement of land masses like like plains and water bodies. रॉक्स पढ़ लेना सबसे पहले डिस्कशन, अब इसके बाद हम कैसा करेंगे होमवर्क का। होमवर्क आई थिंक सबका कंप्लीट होना चाहिए इसका अभी तक का। So, you have to find out the radius and radius मतलब किसको किसको पता है?
नहीं पता है? दिव्या नहीं पता है रेडियस? यस सर, रेडियस का मतलब पता है सर, मैथ में पढ़ा। क्या होता है रेडियस का? ये सर्किल है, ये क्या है? डायमीटर, ठीक है। ये सेंटर से लेकर कोई भी लाइन अगर सर्किल के सर्फेस तक बनाई जाए तो क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको रेडियस एंड वेट ऑफ अर्थ, अब आप में से कुछ इतने महान होंगे जो स्पेस में चले जाएंगे उसको तराजू से लेकर तौल लें, ठीक है। सो बेसिकली ये वेट ऑफ अर्थ और रेडियस ये आपको प्रोवाइड, ये आपको बताना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर नोट्स एज वेल एज द होमवर्क दैट इज बीन प्रोवाइडेड इन द स्कूल एंड प्लीज अटेंड द लाइव क्लासेस दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय योर स्कूल, ठीक है। ट्राई टू बी इन द क्लासेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay.